सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरा दिल्ली में चातुर्मास हो रहा था, मेरी सभा लगी, प्रवचन सभा, और वहां एक आदमी को दीप प्रज्वलन के लिए उठाया गया। बड़ा साधारण सा आदमी। मैंने कहा कि अक्सर बड़ी सभाओं में धनपति लोग दीप प्रज्वलन करते हैं, चित्र अनावरण करते हैं, शास्त्र भेंट करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, ये वही लोग करते हैं जो कुछ ना कुछ दान करते हैं। निर्धन से दीप प्रज्वलन, पीछे बैठने वाला आदमी, उसका स्वागत किया गया सभा में, होना चाहिए उसका भी स्वागत, मैं करता हूं उसका स्वागत। लेकिन मैंने कहा कि आयोजकों से कि आज तुम्हें क्या हो गया है, उसका स्वागत क्यों कर रहे हो, तुम लोग तो नोट वालों का करते हो। उन्होंने कहा, महाराज ये व्यक्ति नोट वालों से भी बड़ा व्यक्ति है। मैंने कहा कि उसमें ऐसा क्या है, मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि बताओ तुम क्या करते हो। बोले, महाराज रिक्शा चलाता हूं। ध्यान, रिक्शा चलाने वाले से दीप प्रज्वलन कराना ये बहुत कम सभाओं में होता है। मैंने कहा, आप रिक्शा चलाते हैं? बोले हां। लेकिन महाराज आपके प्रवचन मैंने टीवी पर सुने, टीवी पर सुनते सुनते मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया, इतना परिवर्तन आया कि जब तक मेरे दिल्ली में ज्ञान गंगा महोत्सव 35 दिन तक चलती रही, उस व्यक्ति ने संकल्प ले लिया कि जब तक महाराज के प्रवचन पूरे ना हो जाएं, मैं किसी सवारी को रिक्शे पर नहीं बिठाऊंगा। ऐसा धर्मात्मा उसके जीवन में परिवर्तन आया। वह घर से रिक्शा लेकर जब मेरी सभा में आता था, और यदि बाहर से कोई मेहमान आ जाए और कहे कि पुलक सागर के पास जाना है, तो जब तक वह मेरे दरवाजे पर उसे छोड़ता था, उससे एक रुपया भी नहीं लेता था कि आप संत के दर्शन करने के लिए आए हैं। ये बात अलग है कि हमारे धनपति भक्तों ने एक रुपया भी नहीं दिया उसे, उसने छोड़ा। मुझे लगा जो छोड़ रहा वो बहुत धनवान है, और जो बचा रहा वो दुनिया का बहुत बड़ा निर्धन आदमी हुआ करता है। वह आता, छोड़ता, चला जाता। उस आदमी से दीप प्रज्वलन हुआ। उसने कहा, महाराज मैं आपके प्रवचन का फैन हूं, आपके प्रवचन सुनता हूं, मेरे अंतस में झंकृत हो जाता है। महाराज मेरे पास ज्यादा दौलत नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, रुपया नहीं है, लेकिन मेरा संकल्प है कि मैं अपनी कमाई का 1000 रुपए प्रतिवर्ष जीवन भर जब तक जिंदा रहूंगा, 1000 रुपए आपकी अपनी कमाई का आपके साहित्य में डोनेशन दे करके धर्म प्रचार करता रहूंगा, और जन जन तक ये संदेश पहुंचाता रहूंगा, ये वाणी पहुंचाता रहूंगा, आपके प्रवचन पहुंचाता रहूंगा। कई जैसों का जीवन आपकी वाणी ने बदल दिया है। मुझे लगता है कि 100-100 मंदिर बनाने से अच्छा आपकी एक प्रवचन की पुस्तक और एक प्रवचन की सीडी किसी के घर पहुंचा दूं, तो जो परिवर्तन मंदिरों से नहीं होता, वो आपकी वाणी से जगत में परिवर्तन हो जाया कर। है कोई ऐसा? सोचिए आप। हमेशा देता हूं, 8 साल हो गए, आप साहित्य में लीजिए इसको। मैं कुछ नहीं करूंगा, बस साहित्य छपवाइए, साहित्य में प्रचार करिए। सारी दुनिया को वैचारिक क्रांति की जरूरत है, और मैं तो कहता हूं जो लोग आचरण बदलने में लगे रहते हैं, एक बात ध्यान रखना, आचरण के बदलने से जिंदगी में परिवर्तन नहीं आता। अरे विचारों को बदल लो, आचरण अपने आप बदलना प्रारंभ हो जाया करता है। विचारों, यदि विचारों से आचरण नहीं बदलेगा, तो फिर संतों को, तीर्थंकरों को, महंतों को, अवतार पुरुषों को
अपनी दिव्य ध्वनि और दिव्य संदेश देने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। विचारों से आचरण बदलता है मेरे भाई, विचार बदल दीजिए। मैं कुछ नहीं करता, मैं कोई नियम नियम नहीं देता बहुत बड़े बड़े। मेरे आहार में लोग आते हैं, महाराज आप नियम नहीं देते। अब नियम दे के करूं क्या? तुम यहां लेते हो बाहर तोड़ देते हो, लफड़ा तो बहुत ज्यादा है ना। तो एक तो तुम नियम, एक तो तुम गलत कर रहे हो, उसका पाप तो लग ही रहा है, और प्रतिज्ञा लेकर तोड़ रहे हो, डबल पाप। एक बात याद रखना किशनगढ़ वालों, मैं कोई नियम नहीं देता, मैं कोई जबरदस्ती तुम में परिवर्तन नहीं लाता हूं। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं जो नियम और तपस्या से नहीं बांधता, मैं तो हृदय में प्यास जगा देता हूं। यदि प्यास जग गई तो नियम अपने आप जीवन में उतर जाया करते हैं, जीवन अपने आप परिवर्तन। कौन कह, प्यास ही पानी खोजती है मेरे भाई। लोग कहते हैं कि बोरिंग करने से, यंत्र लगाने से जमीन से पानी निकलता है, कुआं खोदने से जमीन से पानी निकलता है। मैं कहता हूं ना तो कोई मशीन कुआं खोदती है, ना कोई हाथ कुआं खोदते हैं। कुआं खोदने वाले मशीन और हाथ नहीं होते, भीतर की प्यास कुआं खोदा करती है। जिस दिन प्यास खत्म हो जाएगी उस दिन फिर इन कुओं की कोई जरूरत ना रहे। प्यास, कौन कहता है कि एवरेस्ट की चोटी पैरों से चढ़ी जाती है? पैरों से नहीं चढ़ी जाती मेरे भाई, भीतर की प्यास से ऊंचाइयां प्राप्त की जाती हैं। आप ये देखिए, ये मत सोचो कि परमात्मा है या नहीं है, आप यह सोचिए उसे पाने की हमारे भीतर प्यास है या प्यासा अपने आप खोजता है। अंधेरे में लाइट भी बंद हो जाए तो आंख वालों को भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब प्यास लगती है ना, तो घर में कितना भी अंधेरा हो हाथ पानी खोज लेता है। गिलास कहाँ है और घड़ा कहाँ है? मैं कहता हूं ना आंख पानी खोजती, ना हाथ पानी खोजता है, भीतर की प्यास अपने आप पानी खोज लिया करती है। ध्यान, प्यास जगाओ धर्म की, जग रही है लोगों में प्यास। दीप नहीं जलते दीपक से, संचित तेल जला करता है। नयन नहीं मिलते नयनों से, मन का नेह मिला करता है। और कदम नहीं बढ़ते प्रभु पथ पर, प्यासा हृदय बढ़ा करता है। हृदय की प्यास होना चाहिए। प्यास जगाता हूं बस, मैं पानी भी नहीं पिलाता। प्यास जगा दी, पानी तुम खोजो, तुम्हारी जरूरत है। मैं प्यास जगाऊं और पानी पकड़ा दूं तो आप सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। सत्य तो खोजना पड़ता है, सत्य तो तलाशना पड़ता है। प्यास गहरी होगी पानी जरूर निकलेगा, और मन में अरदास गहरी होगी परमात्मा जरूर धरती पर बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, एक बार नहीं सौ बार आजमा के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। बुलाने वाला चाहिए, जीवन बदलो, परिवर्तन की एक लहर लाओ। बहुत से लोगों ने अपने जीवन को बदल लिया है। एक बात जरूर है, मैं प्रवचन करते हुए दिखाई देता हूं, प्रवचन शब्द है, भाषा है, परिवर्तन मौन है, उसके पास शब्द नहीं होते हैं। किसका जीवन बदला वो खुद जानता है, इसका रिकॉर्ड रखने की कोई जरूरत नहीं है, जिंदगी बदल जाती है। एक बच्ची को मैं जानता हूं, वह मेरे प्रवचन में आई। चतुर्मास चल रहा था मेरा, उसने कहा महाराज 5 साल से ढूंढ रही हूं आपको। 5 साल से टीवी पर सुनती हूं, अखबारों पर पढ़ती हूं, 5 साल से आपकी तलाश कर रही हूं। आज मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। आज मैं कॉलेज जा रही थी, आपका होर्डिंग देखा तो मैंने सोचा कि जिसकी तलाश थी वो स्वयं चलकर मेरे शहर में आ गया। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? बोले 5 साल पहले मेरे 12वीं की क्लास में कम नंबर आए,
नंबर कम आए, मेरे अंदर हीन भावना आ गई, मैंने बहुत मेहनत की लेकिन जितना चाहती थी उतने नंबर नहीं आए। मैंने कहा मैं सुसाइड कर लेती हूं और मैं मरने के लिए जा रही थी, मैं सुसाइड कर रही थी। इतने में मैंने आस्था चैनल चालू किया, चल रहा था घर में और आपका एक प्रवचन मैंने सुना, एक लाइन मेरे कान में पड़ी कि जिंदगी से कभी हार नहीं मानना चाहिए। आपने उदाहरण दिया, एक चींटी 100 बार चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, एक दिन वह ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया करती है। आपने ऐसे कई उदाहरण मुझे अपने प्रवचन में दिए। महाराज आज ये लड़की यदि जिंदा है तो आपकी वाणी के दम पर जिंदा है, वरना ये अपना जीवन खत्म कर चुकी होती। मैंने आपकी एक एक पुस्तकें पढ़ ली। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।